के अंदर आ रहे हैं क्लासेस, तो सबसे पहले कहूं कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपके जुलाई के जो एग्जाम है वो सारे कैंसिल हो गए। लेकिन उसके बाद बेटा सेकंड इशू आता है, आपके मार्क्स किस बेस पर मिलेंगे, मार्क्स में आप पास फेल या आपके नंबर कितने आते हैं, ये सब कुछ आज आपके वीडियो में पता चल जाएगा, लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को। तो आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका तुषार मेहता जी जो गए थे, उन्होंने जो है आपका जब उनको लास्ट में बात निकल के आई कि लास्ट थ्री जो पेपर्स हैं उनके बेस पर पास करना है, तो उस पर स्टूडेंट भी कंफ्यूज है, सुप्रीम कोर्ट भी कंफ्यूज है, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, पांच कैटेगरी में या सीबीएसई ने फाइव कैटेगरीज में क्या कर रखा है, आपका बांट रखा है। अब हम मार्किंग स्कीम के बारे में बताते हैं, वो फाइव कैटेगरीज क्या है। तो स्टूडेंट्स अब आपको जो है मार्किंग स्कीम बताते हैं सीबीएसई की। तो ये हमारे हिसाब से इसमें जो है आपकी फाइव कैटेगरीज निकल के आती है, अगर कोई और कैटेगरी भी आपकी निकल के आ रही है तो कमेंट बॉक्स में भेजिए, आपको इंस्टेंटली जवाब मिलेगा। और आपका क्या है इसके अंदर, सबसे पहले एक कैटेगरी है जिसमें क्या है टेंथ और ट्वेल्थ के स्टूडेंट थे और उनके सारे एग्जाम हो चुके हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी तो आपकी ये है। तो बेटा अगर उनके एग्जाम पूरे हो चुके हैं तो उनके पूरे के पूरे मार्क्स जो है वही आपके मार्कशीट में लग जाएंगे, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। सेकेंड कैटेगरी क्या है, बी कैटेगरी, जिसमें फोर या फोर से ज्यादा सब्जेक्ट के एग्जाम दे हो। मान लिया जाए किसी स्टूडेंट ने ये हिंदी इंग्लिश साइंस और मैथ, ये चार सब्जेक्ट में आपका एग्जाम दिया हो, तो उनका बेस्ट ऑफ थ्री एवरेज दिया जाएगा। जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया, मान लिया किसी स्टूडेंट के हिंदी में 70 आते हैं, इंग्लिश में 70 आते हैं, साइंस में 70 आते हैं, मैथ में 40 आते हैं, तो इन तीनों की जो एवरेजिंग है तीनों को ऐड करके थ्री से डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज इसमें क्या आएगा, 70 ही आएगा। तो जो फिफ्थ सब्जेक्ट होगा उसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 70, चाहे वो आपका वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। तो ये आपका निकल के आ रहा है कि जब आप चार या चार से ज्यादा सब्जेक्ट के एग्जाम दे चुके हो। अब नेक्स्ट जो सी कैटेगरी है ये 10th 12th सबके लिए है। अगर आपने तीन या तीन से कम सब्जेक्टों के एग्जाम दिए हैं, या आप कह सकते हो एग्जैक्टली आपने तीन या दो के एग्जाम, तीन जो आपके पेपर्स है ओनली वो ही दे पाए हो आप, तो क्या होगा आपके साथ, बेस्ट ऑफ टू एवरेज निकलेगी। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके पास कि तीन एग्जाम दिया आपने हिंदी इंग्लिश और साइंस, तो हिंदी में 80 आए, इंग्लिश में 70 आए, साइंस में 50 आए, तो हम क्या करेंगे इन दो में हिंदी और इंग्लिश का ऐड करके टू से डिवाइड करेंगे 75, यानी कि जो नेक्स्ट दो सब्जेक्ट आएंगे उसमें आपको 75 मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले केस में, जो आपके दिल्ली में कुछ रायट्स हुए थे उसके बाद एग्जाम कैंसिल हो गए थे, तो वो बच्चे या तो एग्जाम दे ही नहीं पाए थे या वन या टू सब्जेक्ट में एग्जाम दे पाए थे, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, चाहे वो 10th के हो 12th के, तो सबसे पहले उनका जो वन और टू सब्जेक्ट है उसका एवरेज देखा जाएगा, प्लस में इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट इन सब के। तो इस पिक्चर में ये दिख रहा है कि इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, चलिए वो तो बाद में हम बताएंगे आपको। और जो ई कैटेगरी है इसमें क्या है, क्लास 12th का जो ऑप्शन वाला केस है वो हमने डाल रखा है, 10th के लिए ऑप्शन नहीं है, तो रिजल्ट आपके जो है 15 जुलाई तक जो है आपके आ जाएंगे। अब दिक्कत ये आ रही है ऑप्शन फिर किस बात की, तो 15 जुलाई को रिजल्ट ही आ जाएगा, तो बेटा उस केस में इनका भी रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो आगे एग्जाम दे सकते हैं दोबारा, और फिर उनकी मार्कशीट में भी वो मार्क्स क्या है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर उसमें कम मार्क्स आए पहले के मुकाबले तो आपको कम ही मिलेंगे, ठीक है, और अगर ज्यादा आए तो ज्यादा में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ज्यादा मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है आपका, ये ई कैटेगरी के लिए आपका न्यूज है। तो स्टूडेंट्स अब आपको जो है मार्किंग स्कीम तो समझ आ गई होगी, तो अब इसके बाद हम चलते हैं आपका नेक्स्ट न्यूज पर कि 15 जुलाई तक आपका जो है रिजल्ट भी आ जाएगा, 15 जुलाई के आसपास तक। और बेटा आईसीएसई बोर्ड के बारे में भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आईसीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है वो बेसिकली क्या है, प्री बोर्ड के बेस पर आना है, लेकिन अगर उस पॉलिसी में कुछ फॉल्ट लाइन नजर आती है तो ये भी क्या पता सीबीएसई बोर्ड की तरह ही आपका अपनी पॉलिसीज बना सकता है आईसीएसई बोर्ड। वैसे इसके लिए अलग से वीडियो हमने बना रखा है। अब हमने क्या है, एक आपको स्टार्टिंग में बात और बताई थी कि जो तीन एग्जाम्स हैं वो तीन एग्जाम्स क्या हैं, तुषार मेहता जी से जब पूछा गया
तो उसमें यही बताया गया कि जैसे आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, आपके प्री बोर्ड्स हो सकते हैं, यूनिट टेस्ट हो सकते हैं, और आपके जो है प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल, ये सब चीज़ें जो है कंसीडर की जाएंगी, सीबीएसई अपने तरीके से फॉलो करेगा। अब क्या है आपका इसके बाद की, अब हमें देखना है पास फेल कंपार्टमेंट। प्रमोट का मतलब ये नहीं है आपको सबको नेक्स्ट क्लास में पहुंचा दिया गया है, आपको 10th और 12th पास का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। हाँ ये है कि पहले रिजल्ट अगर 93-95% आता था तो वो 97-98% तक आपका पहुंच सकता है। तो पास जो है बेटा, पास के लिए कौन कौन स्टूडेंट श्योर हो सकते हैं, जिन्होंने कम से कम अगर 80 मार्क्स का पेपर है, अगर 40 मार्क्स का पेपर उसमें से ओनली अटेम्प्ट करा है, मैं राइट रॉन्ग नहीं कह रहा, अगर आपने अटेम्प्ट भी किया है तो बेटा आप श्योरिटी के साथ बैठ सकते हो कि आप लगभग पास हो जाओगे, ये मेरा परसेप्शन है। और जो फेल है वो क्या है, जिन्होंने 80 में से 20 या 10 मार्क्स का अटेम्प्ट करा है, तो बेटा उनके जो है चांस है कि वो फेल हो सकते हैं, और ऐसा भी उन्होंने क्या है 3 या 4 एग्जाम्स में किया हो। तो आपका कंपार्टमेंट जो है क्या है कि कंपार्टमेंट के लिए वैसे तो आपका सीबीएसई बोर्ड अब के सोचेगा नहीं, लेकिन अगर कंपार्टमेंट हुई तो ऐसा होगा कि पहले 2 सब्जेक्टों में जिनकी आती थी अब के 1 में आएगी, और जो इनकी 1 में आने के चांस है उनको क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। यानी कि सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट से बिल्कुल बचने की कोशिश करेगा कि बच्चों को कंपार्टमेंट कम से कम आए। तो इसका डेफिनेटली आप सबको मार्किंग स्कीम में सबको फायदा है। अब मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, मॉडरेशन पॉलिसी इन तीनों जगह पर वर्कआउट करती है, जहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी सीबीएसई बोर्ड वाले 10 या 15 मार्क्स आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से दे सकते हैं, यानी कि 5 सब्जेक्टों में देंगे। तो आपका एवरेज स्टूडेंट और जो आपके जिनके कम मार्क्स आते हैं वो स्टूडेंट और जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, उन सबको इस पॉलिसी का फायदा मिलेगा। तो ये क्या है आपका, जैसे मान लिया 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आ रही है आपकी, तो वो क्या कर देंगे आपका, देखेंगे भाई 1 सब्जेक्ट में ये और पास हो सकता है, तो वो कंपार्टमेंट 1 सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप किसी वजह से फेल होने वाले होंगे तो उसको कंपार्टमेंट वाले केस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप क्या है कि जो पास है तो थोड़े और अच्छे मार्क्स आने की, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मॉडरेशन पॉलिसी। बाकी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे यही कहता है कि यही मॉडरेशन पॉलिसी होती है, और मैंने स्टडी किया है यही मॉडरेशन पॉलिसी, बाकी इसके बारे में कोई और कुछ बताता रहता है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। और अब सबसे लास्ट आपकी न्यूज़ यही है कि रिजल्ट आपका क्या आएगा, 15th of July को ही आएगा, इसलिए आप अब जो है हैप्पी मोड में आने की तैयारी कर लीजिए। और स्टूडेंट, अगर आपको हमारा न्यूज़ जो हम सीधी सीधी बताते हैं और फैक्ट के साथ बताते हैं, अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती है तो ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके से सुपर सॉलिड वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे।